नमस्कार, मैं अशुवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अकासा एयरलाइंस को लॉन्च करने वाले दिग्गज शेयर निवेशक और अरबपति व्यवसायी राकेश झुनझुनवाला का महज 62 साल की उम्र में आज निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने एक फोटो ट्वीट कर कहा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक। वे अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और उससे पहले 16 अगस्त को सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इससे ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाने की बात उठा दी है। पूरा भारत आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सभी धर्मों के लोग अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा लगाकर एकता का मिसाल पेश कर रहे हैं। वहीं भारत के अलावा अमेरिका में फ्रेंड्स ऑफ MP के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जहां पर सभी भारतीयों से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दर्शाया कि दूसरे देश में रहने के बावजूद भी देश के प्यार और स्नेह को नहीं भूले हैं और साथ ही भारत आज भी उनका देश है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाकपा माले ने नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को सहयोग के लिए लंबी चौड़ी शर्तें रख दी हैं। CPIML की मांग है कि अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के साथ NTPC में हुए आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा किया जाए और इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। शराब माफिया पर कार्रवाई की जाए और शराब के मामलों में गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। बिहार की जनता भारी बिजली बिल से परेशान है, सबको 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार यानी आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम पर यह उनका पहला संबोधन होगा। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान में यह जानकारी दी है। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनल पर 7:00 से किया जाएगा। भारत में चीनी राजदूत सन वेडोंग ने कहा कि चीन भारतीय छात्रों का स्वागत करता है। निकट भविष्य में चीन में पढ़ाई शुरू करने वाले भारतीय छात्रों का पहला बैच आएगा। दोनों देशों के संबंधित विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना के बाद इन दिनों भारत मंकी पॉक्स के संकट का सामना कर रही है। इसी कड़ी में दुनिया समेत देश को कोरोना की तरह मंकी पॉक्स के खतरे से उभारने के लिए भारत सरकार ने मंकी पॉक्स की स्वदेशी वैक्सीन और टेस्टिंग किट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें मंकी पॉक्स की स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए 8 कंपनियां आगे आई हैं। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बाएं पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण आगामी BWF विश्व चैंपियनशिप से बीते दिन नाम वापस ले लिया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने ट्विटर पर साझा बयान में पुष्टि की है कि वह 2024 विश्व चैंपियनशिप से हट जाएंगी। भारत की आपत्ति को दरकिनार कर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की नीति अपनाते हुए श्रीलंका ने अंततः ड्रैगन के जासूसी पोते युआंग वैंग 5 को सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण हम्बन टोटा बंदरगाह पर लंगर डालने की इजाजत दे दी है। माना जा रहा है कि चीन के कर्ज के मगर जाल में उलझे श्रीलंका को आखिरकार दबाव में आकर अनुमति देनी पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नामों की घोषणा कर दी है। संगठन के एक बयान के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए CLAD 1, CLAD 2A और CLAD 3B नाम दिया गया है, जिसमें 2B वर्ष 2022 में फैले वेरिएंट का समूह है। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स पर बड़े आरोप लगाए हैं। टेलर ने चौंकाने वाले खुलासे में यह बताया कि राजस्थान की टीम के मालिक ने उन्हें 3-4 थप्पड़ लगाए थे। यह वाक्य IPL 2011 का है। रॉस टेलर उसी सीजन में राजस्थान के लिए खेले थे, उसके बाद उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीद लिया था। कांग्रेस सहित 11 विपक्षी दलों ने शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, धन बल और मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। इन 11 विपक्षी दलों ने कांग्रेस के अलावा माकपा, सपा, बसपा, भाकपा, रांकपा, राजद, रालोद, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वेलफेयर पार्टी और स्वराज इंडिया शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत ने चीन को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया और राजनीतिक दलों को देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी कहा जाए, भारत ने अपनी जमीन पर किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने दिया। सिंह ने कहा कि सरकार ने भारत के लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और जो भी देश की शांति एवं सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
उत्तराखंड में अमृत सरोवर के निर्माण में तेजी आई है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार की जा रही मॉनिटरिंग का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को अमृत सरोवर योजना की औपचारिक घोषणा की थी। इस योजना के तहत देश भर में प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 75-75 तालाब बनाए जाने थे। धान रोपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है, ऐसे में ज्यादातर किसान फसल में खरपतवार और उर्वरक प्रबंधन में लगे हुए हैं। ऐसे में असली और गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की प्राथमिक पहचान अन्नदाता अपने घर पर ही कर सकेंगे। असली यूरिया के दाने सफेद, चमकदार और एक समान आकार के होते हैं। इसके दाने पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। इसके घोल को छूने पर ठंडा लगे तो समझ लेना चाहिए कि यह असली यूरिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी क्रिकेट के मैदान से ज्यादा पिछले कुछ सालों में निजी जीवन की वजह से सुर्खियों में रहे। पत्नी हसीन जहां ने फिर से इसको लेकर बयान दिया है। भारतीय गेंदबाज पर हसीन ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि केस को कमजोर करने की कोशिश की गई है और उनके वकील तक को खरीद लिया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का परोक्ष जिक्र करते हुए शनिवार को कहा कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदुस्तान को आपातकाल की सलाखों के पीछे बंद कर लिया था और यह बात सभी को याद रखने की जरूरत है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल पीटी या पीएसटी परीक्षा 2022 के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार सीआईएसएफ फायरमैन एडमिट कार्ड 16 अगस्त 2022 को शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए उपलब्ध होगा। पीटी या पीएसटी 26 अगस्त से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले सीआईएसएफ फायरमैन शारीरिक परीक्षा देश भर के 41 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बीते दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि वह आजादी की 75वीं वर्षगांठ के ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीते दिन नागपुर में संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला आरएसएस मुख्यालय गई और उन्होंने इस अभियान के तहत भागवत को एक तिरंगा भेंट किया। एक दिन पहले ही संघ ने अपने फेसबुक एवं ट्विटर अकाउंट में डिस्प्ले पिक्चर यानी डिस्पी भी चेंज किया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईडी ने विकास संबंधी कदमों को नुकसान पहुंचाने और राज्य की प्रगति को बाधित करने के लिए केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर कोरोना संक्रमित पाए गए। फारूक अब्दुल्ला की जांच में बीते दिन फिर कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से सांसद 85 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला की हालत ठीक है और वह अभी घर पर आइसोलेशन में है। महाराष्ट्र पुलिस बल में 7,000 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस ने बीते दिन यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विभागों का आवंटन होने के बाद पुलिस अधिकारियों का नियमित स्थानांतरण किया जाएगा। जीमेल का हर नोटिफिकेशन मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर पाने के लिए जीमेल अकाउंट के सेटिंग पर क्लिक करें। इसके बाद सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करें। डेस्कटॉप नोटिफिकेशन के ऑप्शन को खोजें। उसके सामने नीले कलर में क्लिक हेयर टू इनेबल डेस्कटॉप नोटिफिकेशन फॉर जीमेल पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप नोटिफिकेशन आपके सिस्टम पर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको कानूनी न्याय घर बैठे मिल सकता है। देश में पहली बार दो राज्य राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त यानी बीते दिन भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया गया। पहले ही दिन इस अदालत में 69 लाख से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। हाल में टीवी अभिनेता दीपेश भान का निधन हो गया था। उन्होंने कई हिट टीवी शोज में काम किया। दीपेश भान की को स्टार रही अभिनेत्री सौम्या टंडन दिवंगत अभिनेता के परिवार की मदद करने के लिए आगे आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दीपेश भान के परिवार के लिए फंड जुटाने का एक मुहिम शुरू किया है। टीवी शो भाभी जी घर पर है में अनिता भाभी का किरदार निभाने वाली सौम्या दीपेश के परिवार के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करने की अपील करती दिखी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए समय बताना चाहिए कि एक तरफ सीमा पर चीन की घुसपैठ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ चीन से आयात क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के मान के लिए सभी देशवासी प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए देश भर में शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को मिल रहे अद्भुत प्रतिक्रिया की तारीफ और सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि वह बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हर घर तिरंगा आंदोलन की अद्भुत प्रतिक्रिया से बहुत खुश और गौरवान्वित हूँ।
भारत ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,092 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 41 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान भी गंवाई है और 16,444 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में महामारी शुरू होने के बाद से लेकर अब तक कुल 4,42,53,464 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी जरूर बांटे, लेकिन अपने राज्य की सरकार के खजाने की क्षमता की जांच करें और उसके अनुसार बजटीय प्रावधान भी सुनिश्चित करें। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम लिए बिना खुद से राज्य सरकार, खासकर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा मुफ्त रेवड़ी बांटने का उल्लेख किया था और देश के लिए इसे घातक बताया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, सिद्धार्थ कुमार, राकेश कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, सुरुचि कुमारी, रविशंकर, इसनिशा, सुमन सौरभ, दीपक कुमार और नुनू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।